आज हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं वो ये है कि कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आज एनुअल जनरल मीटिंग थी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री निखिलेश ठक्कर जी इलेक्शन कमिश्नर मनोनीत हुए थे। उनकी सदारत में आज AGM हुई, जो कि हम सब जानते हैं कोरोना के चलते इस वक्त की देश भर में ऐसी परिस्थिति थी कि नेशनल लीडर्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि AGM को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किया गया, जिसमें सभी लाइफ मेंबर्स जो थे वो एकत्रित हुए और निखिलेश ठक्कर जी ने इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट किया। और मुझे बहुत हर्ष के साथ ये आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि कैट के जो चुनाव हुए हैं वो यूनानिमस हुए हैं और आदरणीय श्री भरतिया जी और नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ साथ हमें भी पुनः नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से दोबारा री इलेक्शन का मौका मिला है। चूँकि अदरवाइज जो ट्रेड लीडर्स होते हैं वो अपने अपने प्रदेश में नहीं होते हैं, चूँकि आज ये AGM थ्रू VC हुई, इसलिए मैं भी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ साझा करना चाहता था। और ऐसे में मैं आपके साथ एक और चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे नेशनल सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने J&K टीम का स्पेशली आभार व्यक्त किया कि विभिन्न और विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लेह के सभी साथियों ने मिलकर काम किया, उसके लिए उन्होंने हमारे J&K टीम का अभिनंदन भी किया। और जब मुझे उनके समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिला तो मैंने अपने प्रदेश के तमाम व्यापारियों की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से देश भर के व्यापारियों को आमंत्रित किया है कि जैसे ही हम इस कोरोना काल से मुक्ति पाते हैं वो सभी हमारे प्रदेश में आए। सभी जानते हैं कि यहाँ पे 370 से पहले बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ सकते थे, लेकिन अब वैसे हालात नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप सब जानते हैं कि अभी एक मुश्किल की घड़ी है, हमारा प्रदेश खासकर 370 हटने के बाद ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो निश्चित तौर पे देश में जो आज हालात बने हैं लॉकडाउन के, हम उससे पहले ही वाबस्तगी रख रहे थे और हमारी इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित थी। तो ऐसे में मैंने देश के सभी व्यापारी वर्ग को, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है अपनी नई टीम में जो हैं, और जो जितने आज नेशनल ट्रेड लीडर्स थे उनको आमंत्रित किया है कि वो जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है वो कृपया करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे प्रदेश में आए। हमारा व्यापारी वर्ग पूरी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा है ताकि हमारे बच्चों के लिए भविष्य में एक नए आयाम आए, उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान हो, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर पाएँ। यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज साझा करनी थी। एक बार पुनः मैं अपने सभी जम्मू की साथियों की तरफ से, कश्मीर के साथियों की तरफ से, लेह के साथियों की तरफ से, अपनी जो नेशनल ट्रेड लीडर्स जो आज नई कमेटी में मेरे साथ मेरे साथी बने हैं, मैं उन सब की तरफ से और उनको, उनके परिवारों को बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।